इस वीडियो में हम नल और दमयंती की कथा सुनेंगे। नल और दमयंती की कथा महाभारत में आती है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कुछ विपत्ति टूटती है और हम भगवान से कहते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि इससे ज़्यादा दुख तो दुनिया में किसी को हो ही नहीं सकता। हम जितना दुखी हैं या फिर हमारे साथ जो हो रहा है, इससे ज़्यादा बुरा तो किसी के साथ हो ही नहीं सकता। हे भगवान, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो कभी ऐसी ही बात युधिष्ठिर के मन में भी आई थी जब उन्हें वन जाना हुआ था, उनकी पत्नी का अपमान हुआ था। तो उस समय एक ऋषि ने युधिष्ठिर को भी यही बताया था कि हे युधिष्ठिर, अगर तुम यह सोचते हो कि जो तुम्हारे साथ हुआ वह सबसे बुरा है और इस दुनिया में इतना बुरा और किसी के साथ नहीं हो सकता, तो सुनो, मैं एक घटना सुनाता हूं। तो वही पूरी घटना है नल और दमयंती की कथा। इस कथा में प्रेम और पीड़ा का ऐसा प्रभावशाली पुट है कि पश्चिम के कवि और लेखक भी इससे आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। तो मेरा आप सबों से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुने और इसमें ऐसी ऐसी जानकारी दी गई है, ऐसी ऐसी शिक्षा दी गई है जिससे सचमुच हम अपने जीवन को बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो गीता प्रेस में नल और दमयंती की कथा का पुस्तक भी है, आप उसे भी लेके पढ़ सकते हैं। और इस ऑडियो में पूरी कथा दी गई है, आप इसे भी पूरा सुन सकते हैं। तो आइए हम कथा सुनते हैं। नल दमयंती की कथा। महात्मा अर्जुन जब अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक चले गए, तब पांडव काम्यक वन में निवास कर रहे थे। वे राज्य के नाश और अर्जुन के वियोग से बड़े ही दुखी हो रहे थे। एक दिन की बात है, पांडव और द्रौपदी इसी संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन को समझा ही रहे थे कि महर्षि बृहदश्व उनके आश्रम में आते हुए दिख पड़े। महर्षि बृहदश्व को आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे जाकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की, आसन पर बैठाया। उनके विश्राम कर लेने पर युधिष्ठिर उनसे अपना वृतांत कहने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, कौरवों ने कपट बुद्धि से मुझे बुलाकर छल के साथ जुआ खेला और मुझ अनजान को हराकर मेरा सर्वस्व छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण प्रिया द्रौपदी को घसीटकर भरी सभा में अपमानित किया। उन्होंने अंत में हमें काला मृगछाला उड़ाकर घोर वन में भेज दिया। महर्षि, आप ही बतलाइए कि इस पृथ्वी पर मुझसा भाग्यहीन राजा और कौन है? क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है? महर्षि बृहदश्व ने कहा, धर्मराज, आपका यह कहना ठीक नहीं है कि मुझसा दुखी राजा और कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंदभाग्य राजा का वृतांत जानता हूं। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊं। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर महर्षि बृहदश्व ने कहना प्रारंभ किया, धर्मराज, निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उनके नेत्र विशाल थे,
देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ से निस देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। निस देश के विदर्भ में जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। इससे दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश चले गए। दमयंती अपने पास हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती वही बोल उठता कि अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानो मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हंस तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने निषद देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भ राज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीम ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचे कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने जब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधारकर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए, देश देश के नरपति, हाथी, घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचे। भीम ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की। देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल है। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूंगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं। मैं इंद्र हूं और ये अग्नि, वरुण और यम है। हम लोग दमयंती के लिए यहां आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहे जिस देवता को
पति के रूप में स्वीकार करना चाहो कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, वहां आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहां भेजें यह उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कही कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवताओं ने कहा, नल तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अविलंब वहां चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूंगा। इंद्र ने कहा, जाओ तुम वहां जा सकोगे। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बेटोक टोक प्रवेश करके दमयंती को देखा। दमयंती और सखियां भी उसे देखकर अवाक रह गई। वे इस अनुपम सुंदर पुरुष को देखकर मुग्ध हो गई और लज्जित होकर कुछ बोल ना सकी। दमयंती ने अपने को संभालकर राजा नल से कहा, वीर तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो, पहले अपना परिचय बताओ, तुम यहां किस उद्देश्य से आए हो और यहां आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं। उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दंड देते हैं। नल ने कहा, कल्याणी मैं नल हूं, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूं। सुंदरी इंद्र अग्नि वरुण और यम ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, तुम इनमें से किसी एक देवता को अपने पति के रूप में वरण कर लो, यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। उन देवताओं के प्रभाव से ही जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई देख नहीं सका, मैंने देवताओं का संदेश कह दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मंद मुस्कुराकर नल से कहा, नरेंद्र आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूं। मेरे स्वामी मैंने अपना सर्वस्व और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंप दिया है, आप मुझ पर विश्वासपूर्ण प्रेम कीजिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हूं, आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष खाकर आग में जलकर पानी में डूबकर या फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी। राजा नल ने कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंध के प्रार्थी हैं तब तुम मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो, उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणु के समान भी तो मैं नहीं हूं। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ, देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई, उसके दोनों नेत्रों में आंसू छलक आए, वह कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वरण कर रही हूं, यह मैं सत्य शपथ खा रही हूं। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। राजा नल ने कहा, अच्छा तब तुम ऐसा ही करो, परंतु यह तो बतलाओ कि मैं यहां उनका दूत बनकर संदेश पहुंचाने के लिए आया हूं, यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूं तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूं यदि वह धर्म के विरुद्ध ना हो, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, नरेश्वर इसके लिए एक निर्दोष उपाय है, उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा, वह उपाय यह है कि आप लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आए, मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूंगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास आए, देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं आप लोगों की आज्ञा से
दमयंती के महल में गया। बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आप लोगों के प्रभाव से मुझे देखा नहीं। केवल दमयंती और उसकी सखियों ने मुझे देखा। वे आश्चर्य में पड़ गई। मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का वर्णन किया, परंतु वह तो आप लोगों को ना चाहकर मुझे ही वरण करने पर तुली हुई है। उसने कहा है कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आए, मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूंगी, इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी, अंतिम प्रमाण आप लोग ही हैं। राजा भीम ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलवा भेजा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आ आकर स्वयंवर मंडप में यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। जब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब सुंदरी दमयंती अपनी अंग कांति से राजाओं के मन और नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई रंग मंडप में आई। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के 5 राजा इकट्ठे ही बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह हो गया, वह राजा नल को नहीं पहचान सकी। वह जिसकी ओर देखती वही नल जान पड़ता, इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा नल है यह कैसे जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी, हे देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया है। मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती। देवताओं ने निषधीश्वर नल को ही मेरा पति बना दिया है तथा मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत प्रारंभ किया है। मेरी इस सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दे। ऐश्वर्यशाली लोकपालों, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दे, जिससे मैं पुण्य श्लोक नरपति नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती का यह आर्त विलाप सुना। उसके दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल परायणता को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं है, उनके गले में पड़ी पुष्पमाला कुमलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है। वे सिंहासन पर स्थित हैं, पर उनके पैर धरती को नहीं छूते और उनकी परछाई नहीं पड़ती। इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है, माला कुंभला गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलके बराबर गिर रही है और धरती छूकर स्थित है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया, फिर धर्म के अनुसार नल को वरण कर लिया। दमयंती ने कुछ सकुचाकर घूंघट काढ़ लिया और नल के गले में वरमाला डाल दी। देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे। राजाओं में हाहाकार मच गया। राजा नल ने आनंदातिरेक से दमयंती का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण न करके मुझे वरण किया है, इसलिए तुम मुझको प्रेम परायण पति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा, यह मैं तुमसे शपथ पूर्वक सत्य कहता हूं। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्रादि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहां तुम मेरा स्मरण करोगे
वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई गई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहां तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा, तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार दो दो वर देकर सब देवता अपने अपने लोकों में चले गए। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए। भीम ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर में रहे। तदंतर भीम की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेध आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम के पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या का भी जन्म हुआ। महर्षि बृहदस्व कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्रादि लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे, उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहां जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। इंद्र ने हंसकर कहा, हजी, वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया, हम लोग ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओह, तब तो बड़ा अनर्थ हुआ, उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मों के मर्मज्ञ और सदाचारी हैं। उन्होंने इतिहास पुराणों सहित वेदों का अध्ययन किया है। वे धर्मानुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी किसी को सताते नहीं। सत्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी हैं। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और शम लोकपालों के समान है। उनको शाप देना तो नरक की धधकती आग में गिरना है। यह कहकर देवता लोग चले गए। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्यच्युत कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीतकर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार को सह न सके। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय कर लिया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दांव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गए और बोला, आप महाराज से निवेदन कर दीजिए,
आप धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुख सहन न होने के कारण कार्यवश दरवाजे पर आकर खड़ी है। दमयंती स्वयं दुख के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी। उसने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामिन, नगर की राजभक्त प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और ढ्योड़ी पर खड़े हैं, आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलयुग का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गए। राजा नल जुए में जो पासे फेंकते वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते, सारा धन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला तब उसने बृहत्सेना नाम की धाई के द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलवाया और उससे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो, अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडिन नगर में ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना, तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने दमयंती के कथनानुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंडिनपुर में पहुंचा दिया, रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए तथा स्वयं वहां से पैदल ही चलकर अयोध्या जा पहुंचा और वहीं राजा ऋतुपर्ण के पास सारथी का काम करने लगा। वार्ष्णेय सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे? परंतु तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दाव पर लगाने के योग्य समझो तो फिर खेल हो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्राभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शोक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। भय के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके। राजा नल 3 दिन 3 रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी बांक से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने वाला वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे किए खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था, ले अब हम तेरे शरीर पर का वस्त्र लिए जा रहे हैं, हम पक्षी नहीं जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहां बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवान पर्वत होकर दक्षिण देश की ओर, सामने विंध्याचल पर्वत है, या पयोष्णी नदी समुद्र में मिलती है, ये महर्षियों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है, यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयंती की आंखें
आंसू से भर गई। वह गदगद स्वर से कहने लगी, स्वामिन आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। आपका राज्य गया, धन गया, आपके शरीर पर वस्त्र नहीं रहा। आप थके मांदे तथा भूखे प्यासी हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है। यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। नल ने कहा, प्रिये तुम्हारा कहना ठीक है, पत्नी मित्र है, पत्नी औषध है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते, फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिए ऐसी शंका करती हूं। आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चले, मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहीं सुख से रहिएगा। नल ने कहा, प्रिय तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं भी कभी राजा था। इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढककर वन में इधर उधर घूमते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए। बृहदस्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था, और तो क्या धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था, भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। वह सुकुमारी भी वहीं सो गई। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। आंख के खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने, सगे संबंधियों की छूटने और पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके आने लगे। वे सोचने लगी कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी, मेरे साथ तो इसे दुखी दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, कोई भी इसके सतीत्व को भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूं और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़ूं कैसे, शायद यह जग जाए। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना मयान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब वे फिर धर्मशाला में लौट आए और दमयंती को देखकर रोने लगे। वे सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राण प्रिया अंतःपुर के परदेश में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था, आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी? प्रिये
तू धर्मात्मा है, इसलिए आदित्य, वशु, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करे। उस समय राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए अंततः वे अपनी प्राण प्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। वह आशंका से भरकर पुकारने लगी, महाराज, स्वामी, मेरे सर्वस्व, आप कहां हैं? मैं अकेली डर रही हूं, आप कहां गए स्वामी? बस अब अधिक हंसी ना कीजिए मेरे कठोर स्वामी, मुझे क्यों डरा रहे हैं? शीघ्र दर्शन दीजिए, मैं आपको देख रही हूं। लो, यह देख लिया, लताओं की आड़ में छिपकर चुप क्यों हो रहे हैं? मैं दुख में पड़कर इतना विलाप कर रही हूं और आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते। हे स्वामिन, मुझे अपना या और किसी का शोक नहीं है, मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। हां नाथ, निर्मल चित वाले आपके जिस पुरुष ने यह दशा की है वह आपसे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त होकर निरंतर दुखी जीवन बिताए। दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त सी होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला। अजगर दमयंती को निगलने लगा। उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं राजा नल की ही चिंता थी कि वे अकेले कैसे रहेंगे। वह पुकारने लगी, स्वामिन, मुझे अनाथ की भांति यह अजगर निगल रहा है, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़ाते? दमयंती की आवाज एक व्याध के कान में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह वहां दौड़कर आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निकल रहा है, अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती कुछ कुछ शांत हुई। व्याध ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहां आई हो? दमयंती ने व्याध से अपनी कष्ट कहानी कही। दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देखकर व्याध काम मोहित हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती दुरात्मा व्याध के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश से प्रज्वलित हो गई। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टाओं को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी भी प्रकार न माना तब उसने साप दे दिया, यदि मैंने निषद नरेश राजा नल को छोड़कर और किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो यह पापी छूद्र व्याध मरकर जमीन पर गिर पड़े। दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते ही व्याध के प्राण पखेड़ू उड़ गए। वह जले हुए ठूठ की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, नद, जंगल, हिंसक पशु, पिशाच आदि को देखती हुई और वीरा के उन्माद में उनसे राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। उस आश्रम में वशिष्ठ, भृगु और अत्री के समान मितभोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे वृक्षों की छाल अथवा मृगछाला धारण किए हुए थे। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने स्वागत है कहकर दमयंती का सत्कार किया और बोले,
बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें? दमयंती ने भद्र महिला के समान पूछा। आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म और पशु पक्षी तो सकुशल है ना? आपके धर्माचरण में तो कोई विघ्न नहीं पड़ता? ऋषियों ने कहा, कल्याणी, हम तो सब प्रकार से सकुशल हैं। तुम कौन हो? किस उद्देश्य से यहां आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदी की अधिष्ठाता देवता हो? दमयंती ने कहा, महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूं। मैं विदर्भ देश राजा भीम की पुत्री हूं। बुद्धिमान, यशस्वी एवं वीर विजयी निषध नरेश महाराज नल मेरे पति हैं। कपट द्यूत के विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राज्य और धन ले लिया है। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूं। संयोगवश वे मुझसे बिछोड़ गए हैं। मैं उन्हीं रणबांकुरे शस्त्र विद्या कुशल एवं महात्मा पतिदेव को ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूं। मैं यदि उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊंगी तो जीवित नहीं रह सकूंगी। उनके बिना मेरा जीवन निष्फल है। वियोग के दुख को मैं कब तक सह सकूंगी? तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम अपनी तपस्वी दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। धर्मात्मा निषध नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर संपत्तिशाली निषध देश पर राज्य करेंगे। उनके शत्रु भयभीत तो होंगे, मित्र सुखी होंगे और कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित होंगे। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर्धान हो गए। यह आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी, अरे, मैंने यह स्वप्न देखा है क्या? यह कैसी घटना हो गई? वे तपस्वी, आश्रम, पवित्र सलीला नदी, फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष कहां गायब हो गए? दमयंती फिर उदास हो गई। उसका मुख मुरझा गया। वहां से चलकर विलाप करती हुई दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर में कहा, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है क्या? अशोक, तू अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की प्रदक्षिणा की और वह आगे बढ़ी। भयंकर वन में अनेकों वृक्ष, गुफा, पर्वतों के शिखर और नदियों के आसपास अपने पतिदेव को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल गई। वहां उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़े और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके और यह जानकर कि वे व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेदी देश में जा रहे हैं, दमयंती उनके साथ हो गई। उसके मन में अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहां एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। दैव व्यापारियों के प्रतिकूल था। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े और उनकी भगदड़ में सब के सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंहार का दृश्य देखकर बावली सी हो गई। उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह डरकर वहां से भाग निकली और जहां कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहां जा पहुंची। तदंतर दमयंती उन वेद पाठी और संयमी ब्राह्मणों के साथ जो उस महासंहार से बच गए थे शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी और सायंकाल के समय चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी
नागरिकों ने यही समझा कि यह कोई बावली स्त्री है। छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए। दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर धाई से कहा, अरे देख तो, यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है। अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है क्या? बच्चे इसे दुख दे रहे हैं, तू जा इसे मेरे पास ले आ। यह सुंदर तो इतनी है मानो मेरे महल को भी दमका देगी। धाई ने आज्ञा पालन किया। दमयंती राजमहल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? असहाय अवस्था में भी किसी से डरती क्यों नहीं हो? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूं। मैं हूं तो कुलीन, परंतु दासी का काम करती हूं। अंतःपुर में रह चुकी हूं। मैं कहीं भी रह जाती हूं, फल मूल खाकर दिन बिता देती हूं। मेरे पति देव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। मेरे अभाग्य की बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती छोड़कर ना जाने कहां चले गए। मैं रात दिन अपने प्राणपति को ढूंढती और उनके वियोग में जलती रहती हूं। इतना कहते कहते दमयंती की आंखों में आंसू उमड़ आए, वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर आया। वे कहने लगी, कल्याणी मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। जब वे आए तब तुम उनसे यहीं मिलना। दमयंती ने कहा, माताजी मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूं, मैं कभी जूठा न खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष के साथ किसी प्रकार भी बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्ट चेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा। बार बार ऐसा करने पर उसे प्राणांत दंड भी देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। आप यदि मेरी यह शर्त स्वीकार करें तब तो मैं रह सकती हूं, अन्यथा नहीं। राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा, बेटी देखो इस दासी को देवी समझना, यह अवस्था में तुम्हारे बराबर की है, इसलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इससे मनोरंजन करती रहो। सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई। दमयंती अपनी इच्छानुसार नियमों का पालन करती हुई महल में रहने लगी। बृहदस्व जी ने कहा, युधिष्ठिर जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े उस समय वन में दावाग्नि लग रही थी। नल कुछ छिटक गए, उनके कानों में आवाज आई, राजा नल शीघ्र दौड़ो मुझे बचाओ। नल ने कहा, डरो मत। वे दौड़कर दावा नल में घुस गए और देखा कि नागराज करकोटक कुंडली बांधकर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन मैं करकोटक नाम का सर्प हूं, मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दे दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठाएं तब तक यहीं पड़ा रह, उनके उठाने पर तू शाप से छूट जाएगा। उनके शाप के कारण मैं यहां से एक पग भी हट बढ़ नहीं सकता। तुम सांप से मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें हित की बात बतलाऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूं। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावा नल से बाहर ले आए। करकोटक ने कहा, राजन तुम अभी मुझे पृथ्वी पर न डालो, कुछ पगों तक
गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने जो ही पृथ्वी पर दसवां पग डाला और कहा दस, त्यों ही कर्कोटक नाग ने उसे डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई दस अर्थात डसो कहता तभी वह डसता, अन्यथा नहीं। कर्कोटक के डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और कर्कोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा राजन, तुम्हें कोई पहचान ना सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु और ब्रह्मवेत्ताओं के शाप आदि से भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और द्यूत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ। तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी पुत्री पुत्र राज्य सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लेना। यह कहकर कर्कोटक ने दो दिव्य वस्त्र दिए और वही अंतर्धान हो गया। राजा नल वहां से चलकर दसवें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हांकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है। अर्थ संबंधी तथा अन्य अन्य गंभीर समस्याओं पर मैं अच्छी सम्मति देता हूं और रसोई बनाने में भी बहुत ही चतुर हूं एवं हस्तकौशल के सभी काम तथा दूसरे भी कठिन कामों को मैं करने की चेष्टा करूंगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा बाहुक, तुम भले आए, तुम्हारे जिम्मे ये सभी काम रहेंगे, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूं, इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूं, तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरे मिला करेंगी। इसके अतिरिक्त वार्षनेय नल का पुराना सारथी और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे, तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में वार्षनेय और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते हाय तपस्विनी दमयंती, भूख प्यास से घबराकर थकी मांदी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी और ना जाने कहां सोती होगी। भला वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इसी प्रकार वे अनेकों बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्ण के पास रहते कि उन्हें कोई पहचान ना सके। जब विदर्भ नरेश भीम को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्यच्युत होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जा जाकर नल दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा उसे 1,000 गौवे और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें ला ना सके केवल पता ही लगा पाए तो भी 10,000 गौवे दी जाएगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्याह वाचन हो रहा था और दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर वह मंगल कृत्य देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में
यही भीम नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा ही अब भी देख रहा हूं। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूं। राजा भीम की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहां आया हूं। तुम्हारे माता पिता और भाई सानंद हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे बिछोह से सभी कुटुंबी प्राणहीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रम क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को बात करते रोती देखकर घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतःपुर से बाहर निकल आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछड़ गई है, तुमने इसे पहचाना कैसे? सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है, वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया है। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिसे उसकी भौहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने दो घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, दमयंती, मैंने इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दसार्ण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा ही है। यह संपत्ति जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, मां, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ? मैं रही हूं यहां लड़की की ही तरह। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की है तथा मेरी रक्षा की है। इसमें मुझे संदेह नहीं है कि मैं अब यहां और भी सुखी से रहूंगी। परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूं। मेरे छोटे छोटे दो बच्चे पिताजी के घर हैं। वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे। न जाने उनकी क्या दशा होगी। आप यदि मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई, भोजन, वस्त्र और बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई, बच्चे, माता पिता और सखियों से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीम को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1000 गवें, गांव तथा धन देकर संतुष्ट किया। बृहदस्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि, मां, मैं आपसे सत्य कहती हूं, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पतिदेव को ढूंढवाने का उद्योग कीजिए। रानी ने बहुत दुखित होकर अपने पति राजा भीम से कहा कि, स्वामिन, दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है। उसने संकोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें ढूंढवाने का उद्योग करना चाहिए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा, अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि, आप लोग जिस राज्य में जाएं
वहां मनुष्यों की भीड़ में यह बात कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़ कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहां चले गए? तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहनी तुम्हारे आने की बाट जोह रही है और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन है, कहां रहता है, इन बातों का पता लगा लीजिएगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं या उसे मालूम ना होने पाए। ब्राह्मणगण दमयंती के निर्देशानुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद परनाद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देशानुसार निषद नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी, वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटी और शरीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा, कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपनी सील की रक्षा करती है और अपनी सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती है। कभी उनका पति त्याग भी दे तो वे क्रोध नहीं करती, अपने सदाचार की रक्षा करती है। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु वह उस समय राज्य लक्ष्मी से च्युत, क्षुधातुर, दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। उसकी हृदय की पीड़ा असहनीय थी। राजकुमारी, बाहु की यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूं, तुम जैसा उचित समझो करो, चाहो तो महाराज से भी कह दो। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी मां से एकांत में कहा, माताजी, आप यह बात पिताजी से न कहें, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूं। जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहां पहुंचाया था वैसे ही वह शुभ शकुन देखकर अयोध्या जाए और मेरे पतिदेव को लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने परनाद का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि भीम पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छा अनुसार पति वरण करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं, स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पति वरण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी से समझाकर कहा कि बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है, मैं एक ही दिन में विदर्भ देश को पहुंचना चाहता हूं, परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलीजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा, संभव है वह ऐसा करना चाहती हो, परंतु नहीं,
उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी। वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है। मैंने दुर्बुद्धिवश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की। अपराध मेरा ही है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। अस्तु, सत्य क्या है असत्य क्या है यह बात तो वहां जाने पर ही मालूम होगी। परंतु ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कथनानुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूं। बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगे। नल ने अच्छी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुक से कहा, रथ रोको, मैं वार्ष्णेय से उसे उठवा मंगाऊं। नल ने कहा, आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब वह वहां से 1 योजन आगे निकल आए हैं, अब वह नहीं उठाया जा सकता। जिस समय यह बात हो रही थी उस समय वह रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुने अधिक हैं। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं और 2095 फल हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो। बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर इनके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूंगा। बाहुक ने वैसा ही किया। फल और पत्ते उतने ही हुए जितने राजा ने बतलाए थे। नल आश्चर्यचकित हो गए। बाहुक ने कहा, आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की ही तरह मैं पासों की वशीकरण विद्या में भी ऐसा ही निपुण हूं। बाहुक ने कहा कि आप मुझे यह विद्या सिखा दे तो मैं आपको घोड़ों की भी विद्या सिखा दूं। ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी और अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था, इसलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि अश्व विद्या तुम मुझे पीछे सिखा देना, मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी उसी समय कलयुग कर्कोटक नाक के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे शाप देना चाहा। कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपता हुआ कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था उसी समय उसने मुझे शाप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ कर्कोटक नाक के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी प्रार्थना सुने और मुझे शाप न दे। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे उन्हें मेरा भय नहीं होगा। राजा नल ने क्रोध शांत किया। कलयुग भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में घुस गया। यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ। वह वृक्ष ठूठ सा हो गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते वे विदर्भ देश में जा पहुंचे। राजा भीम के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहां बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज उठी। कुंडिन नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की घरघराहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे पूर्ववत प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वह आवाज वैसी ही जान पड़ी। दमयंती कहने लगी, इस रथ की घरघराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है। अवश्य ही इसको हांकने वाले मेरे पति देव है।
यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती। वे शक्तिशाली, क्षमावान, वीर, दाता और एक पत्नी व्रती हैं। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से रथी सारथी का उतरना देखने लगी। बृहदस्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर, विदर्भ नरेश भीम ने अयोध्याधिपति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया। उन्हें कुंडिनपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। भीम को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहां आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा, आप यहां किस उद्देश्य से पधारे हैं? ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात दबा दी और कहा, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया हूं। भीम सोचने लगे कि 100 योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता। अस्तु, आगे चलकर यह बात खुली जाएगी। भीम ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहां रख लिया। बाहुक भी वार्षनेई के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़े की सेवा में संलग्न हो गया। दमयंती आकुल होकर सोचने लगी, रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ के ही समान जान पड़ती थी, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो ना हो, वार्षनेई ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। संभव है ऋतुपर्ण को भी यह विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि केशिनी, तू जा, इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है ये ही हमारे पतिदेव हो। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केशिनी ने जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्षनेई तथा अपनी अश्वविद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केशिनी ने पूछा, बाहुक, राजा नल कहाँ है, क्या तुम जानते हो, अथवा तुम्हारा साथी वार्षनेई जानता है? बाहुक ने कहा, केशिनी, वार्षनेई राजा नल के बच्चों को यहां छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय नल का रूप बदल गया है, वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। केशिनी, राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनकी दुरवस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते नल का हृदय खिन्न हो गया, आंखों में आंसू आ गए, वे रोने लगे। केशिनी ने दमयंती के पास आकर वहां की सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि केशिनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो, उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वह आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना, उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। केशिनी फिर बाहुक के पास गई और वहां उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आई और दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी, बाहुक ने तो जल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष न कहीं देखा है और न सुना ही है।
यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है, वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहां जल के लिए जो घड़े रखे थे वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का पूला लेकर सूर्य की ओर किया, वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है, पानी उसके इच्छा अनुसार बहता है। वह जब अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है तब वे कुम्हलाते नहीं और प्रफुल्लित तथा सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भौचक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बाहु के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि ये अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं। उसने केसिनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। तदंतर बाहुक ने दोनों बच्चे केसिनी को दे दिए और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केसिनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग ना जाने क्या सोचने लगेंगे, इसलिए यहां मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है, तुम जाओ। केसिनी ने दमयंती के पास आकर वहां की सारी बातें कह दी। अब दमयंती ने केसिनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया कि माताजी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहु की परीक्षा करवाई है, अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही संदेह रह गया है, अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूं, इसलिए आप बाहु को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीम से अनुमति ली और बाहुक को रनिवास में बुलवाने की आज्ञा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती के देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर आया, वे आंसुओं से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी, केसों की जटा बंध गई थी, शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था, क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसे निरपराध स्त्री को पुण्य श्लोक निषद नरीस की सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया है, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के विशाल सांवले एवं रत्नारे नेत्रों के आंसू टपकते देखकर नल से रहा ना गया, वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश किया है और न तो तुम्हें त्यागा है, यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूं कि जब से तुम मुझसे बिछुड़ी हो तब से रात दिन मेरा स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण जलता रहता था, मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय पा ली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया, मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहां आया हूं, यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहां आए हैं। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, हारे पुत्र,
मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वरण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वो मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। परनाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास भी पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया था। वह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ही यह युक्ति की थी। मैं जानती हूं कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़े के रथ से 100 योजन पहुंच जाए। मैं आपके चरणों में स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूं कि मैंने कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दे। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं, वे सच्ची बात बतला दे और यदि मैं पापिनी हूं तो मुझे त्याग दे। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, राजन मैं सत्य कहता हूं कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्जवल शील व्रत की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक रूप में रहे हैं और इसकी पवित्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। कोई शंका ना करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज करकोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बात करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातःकाल होने पर नहा धो सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीम के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीम ने बड़े आदर से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात की बातों में यह समाचार सर्वत्र पहुंच गया। नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि बाहुक के रूप में तो राजा नल ही थे, यहां आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलवाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहारों की उत्तमता बताकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया, साथ ही उन्हें अश्व विद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए। राजा नल 1 महीने तक कुंडिन नगर में ही रहे। तदंतर अपने ससुर भीम की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को साथ ले निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीम ने 1 श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल सेना राजा नल के साथ भेज दिया। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दांव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई जुआ खेल लो, बकते क्या हो? हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो? जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज्य, रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज्य मेरा हो गया, अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूढ़, पहली बार भी
तुमने मुझे नहीं जीता था। वह काम कलयुग का था, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मरना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है, तुम मेरे भाई हो। मैं कभी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूंगा। तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहें। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। तदंतर सेना, सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। जैसे देवता इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए हम सब आए हैं। घर घर आनंद मनाया जाने लगा, चारों ओर शांति फैल गई, बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। राजा भीम ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। बृहदस्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा, परंतु तुम्हारे साथ तो भाई हैं, द्रौपदी हैं और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती। यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और ह्रास से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज, कर्कोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। यदि किसी विशिष्ट नारी का विशिष्ट पुरुष के साथ संयोग हो तो वह विशेष गुणकारी होता है। दुखी मनुष्य के लिए पत्नी के समान दूसरा कोई मित्र या औषध नहीं है। मनुष्यों की मृत्यु असमय में नहीं होती। एक ओर अंग और उपांगों सहित विस्तार पूर्वक चारों वेदों का स्वाध्याय हो और दूसरी ओर केवल सत्य भाषण हो तो वह निश्चय ही उससे बढ़कर है। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है वह इच्छा होते हुए भी मर नहीं सकता। मनुष्यों को इस जगत में कोई भी सुख या दुख ऐसा नहीं मिलता जो विधाता का दिया हुआ ना हो। वास्तव में पति ही नारी का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। उसके होने से वह बिना आभूषणों के सुशोभित होती है। सब लोग सभी बातें नहीं जानते। संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है तथा एक ही पुरुष में संपूर्ण ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं है। उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती है। ऐसा करके वे स्वर्ग और सत्य दोनों पर विजय पा लेती है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ नारियां अपने पति से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती। वे सदा सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती है। पुरुष को प्राप्त होने वाले सभी विषय सदा अस्थिर एवं विनाशशील हैं। यह सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने पर तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब प्रारब्ध प्रतिकूल हो
और पुरुषार्थ निष्फल हो जाए, उस समय भी सत्व गुण का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने मन में विषाद नहीं लाते। तो इस प्रकार नल और दमयंती की कथा यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा, और मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि इस कहानी को बार बार पढ़ें या बार बार सुनें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गीता प्रेस में यह पुस्तक उपलब्ध है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप सुनना चाहें तो बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि एक बार में जो बातें आपको समझ में आई, अगर आप दूसरी बार तीसरी बार सुनेंगे तो आपको और भी बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। और मुझे लगता है कि दुनिया के हर पति पत्नी को यह कथा जितनी बार वो सुन सकते हैं सुननी चाहिए, और एक दूसरे से बहुत प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, एक दूसरे का बहुत सम्मान करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी लोग इस घटना को यहां तक सुन पाए हैं वो बहुत श्रेष्ठ गुण वाले हैं, और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति बहुत ही सात्विक हैं, ईमानदार हैं, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। और ऐसे दंपत्ति को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत प्रणाम।